सर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, तकरीबन एक बड़े सतर्क कार्रवाई को पकड़ा है, किस तरह का सामान जब्त किया गया है और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? ये अभी IPL का मैचेस चल रहे हैं और ये IPL मैचेस के दौरान ये हमेशा रहता है कि IPL मैच में कुछ ना कुछ सट्टेबाजी का काम चल रहा हो। इसकी सूचना मिली थी, सूचना मिलने के बाद टीम वहाँ गई थी और सागौर थाने के अंतर्गत एक छोटा सागौर है कुमार भट्टा रोड पे, वहाँ पे एक मकान में कुछ लोग बैठ के सट्टा के पर्चे वर्चे काट रहे थे, इसकी सूचना मिली थी। और उसमें जब हमारी दबिश दी तो दबिश ने वहाँ पे लगभग 16,000 रुपये जब्त हुए थे कैश में, और 31 मोबाइल 21 मोबाइल हमने जब्त किए हैं और 15 आरोपी वहाँ पे मिले थे, अलग अलग कमरे में वो लोग खेल रहे थे, इन सभी को पकड़ा है। और पर्चे के कई बंडल हमने वहाँ से जब्त किए हैं और जो वो पर्चे काटे जा रहे थे, तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पुलिस के द्वारा और धार जिले के सागर थाने के अंतर्गत ये कार्रवाई हुई। और अगर दूसरी जगह से भी सूचना मिलती है कि IPL में इस प्रकार के सट्टे या फिर कोई और भी गलत कार्रवाई होती है तो उस कार्रवाई की अगर सूचना मिलेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो पकड़ेगा लोग इसमें पहले से ही इस तरह के गलत धंधे में जुड़े हुए हैं, इसमें मेन जो आरोपी है उसमें दिनेश है जो घर आसपास का ही रहने वाला है। एक दो लोग जो है जो अभी तक सूचना जहाँ तक है उसमें नागपुर से भी लोग आए हुए थे उसमें खेलने के लिए, तो ये व्यवस्थित रूप से काफ़ी दिनों से चल रहा था जिसकी सूचना हमें थी, सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। और भी लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड जो भी पकड़े गए हैं उनके पुराने रिकॉर्ड और दूसरे जगह के रिकॉर्ड भी हम तलाश रहे हैं। नहीं अभी विवेचना जारी है, विवेचना में हम लोग इन सब चीज़ों की तलाश करेंगे कि इसमें कहीं दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दूसरे राज्य का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।